हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने अपने व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, इसका चौथा भाग लेकर मौजूद हूँ आपके सामने। फ्रेंड्स, अपने इस हम चौथे और अंतिम वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, ये सब यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु, और जर्नल आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसकी सामान्य रूपरेखा क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की, यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की। साथियों, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है, विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, ये फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। साथियों, अगर हम इसकी बात करें, इसका डिवीज़न करेंगे, तो हालांकि आप देखेंगे कि समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र है, इसके संबंध में विद्वानों में बहुत बहुत ज़्यादा मतभेद है, और एक्चुअल में ये मतभेद स्वाभाविक ही है। उनमें जो अपने अपने उन्होंने जो विषय क्षेत्र निर्धारित करने की कोशिश की है, वो बहुत जनरल बात है, क्योंकि किसी भी प्रगतिशील विज्ञान का विषय क्षेत्र ना तो कम्प्लीटली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और ना ही उसे किसी निश्चित सीमा में बांध भी सकते हैं। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए इसको विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, जैसा बताया, स्वरूपात्मक, जिसको विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, फॉर्मल स्कूल, और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल। तो बात करते हैं पहले इसके क्षेत्र की, यानी स्वरूपात्मक क्षेत्र की, जिसके प्रमुख समर्थक जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, बीरकांत, लियोपोल्ड वॉन विज और टॉनीज रहे हैं। वहीं सिंथेटिक स्कूल के समर्थक जो हैं, पिट्रिम सोरोकिन, एमाइल दुर्खीम, हाब हाउस, गिन्सवर्क और स्पेंसर जैसे विद्वान रहे हैं। और साथियों, जब हम स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करते हैं, फॉर्मल स्कूल की बात करते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इस संप्रदाय के लोग इस विषय को, यानी समाजशास्त्र को, एक स्पेशल साइंस मानते हैं, एक विशेष विज्ञान मानते हैं। ये अन्य विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इनकी तरह समाजशास्त्र भी एक विशेष एवं स्वतंत्र विज्ञान है, ऐसा इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है। इन विद्वानों के अनुसार, जो मैंने अभी बात की, जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वॉन वीज, मैक्स वेबर, इन लोगों के अनुसार मानवीय संबंधों के स्वरूपों, यानी फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, या समाजीकरण के स्वरूप, मींस फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन, ये इन दो चीज़ों का अध्ययन है। यानी समाजशास्त्र जो है, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन, इनकी स्टडी करता है, और संभवतः इसीलिए सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर अधिक जोर देने के कारण यह संप्रदाय जो है, स्वरूपात्मक संप्रदाय कहलाया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्ज सिमेल की। साथियों, इस संदर्भ में जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक संबंध के स्वरूप और उसकी अंतर्वस्तु में भेद किया है। सिमेल के अकॉर्डिंग सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु, यानी फॉर्म और कंटेंट, दोनों ही एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल से सेट भी किया है, जिसे उनका कहना है कि एक ही आकार या स्वरूप की गेंद लोहा, रबड़, लकड़ी या और भी किसी मटेरियल की बनाई जा सकती है। उसी प्रकार विभिन्न आकार या स्वरूपों की गेंदों को एक ही अंतर्वस्तु, यानी उसका एक ही कंटेंट हो सकता है। जैसे लकड़ी या रबड़ से हम डिफरेंट स्वरूप की गेंद, डिफरेंट फॉर्म्स की गेंद बना सकते हैं। मान लीजिए, अगर हम रबड़ का एग्जाम्पल सेट करें, तो रबड़ के एग्जाम्पल से, या कहिए रबड़ के मटेरियल से, हम टेनिस बॉल भी बना सकते हैं, बच्चों के खेलने की बॉल भी बना सकते हैं, फुटबॉल, हैंडबॉल आदि बना सकते हैं। यानी मटेरियल एक है और स्वरूप उसका अलग अलग है।
तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि फॉर्म और कंटेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और सामाजिक संबंधों में यानी सोशल रिलेशनशिप्स में भी स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों अपना अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। सिमेल का मत है या सिमेल का मानना है कि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप जैसे अधीनता, अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रभुता, श्रम विभाजन, ये सब चीज़ें हैं। यानी जब हम सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूपों की बात करते हैं तो उसमें जॉर्ज सेमेल ने डोमिनेशन, कंपटीशन, इमिटेशन, डिवीज़न ऑफ लेबर, इन ऐसी कई चीज़ों को शामिल किया है जिसको हम सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अंतर्गत रख सकते हैं। वहीं अगर इसके अंतर्वस्तु की बात करें यानी इन संबंधों के कंटेंट की बात करें तो इनमें फैमिली है, एसोसिएशन है या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस तरह की चीज़ों को उसके अंतर्गत अध्ययन करने वाला कंटेंट जॉर्ज सेमेल ने बताया है। फ्रेंड्स, इस संप्रदाय के दूसरे प्रमुख समर्थक मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि समाजशास्त्र उद्देश्यपूर्ण सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र में जो है एक उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका कोई अर्थ हो, जो अपने आप में स्पष्ट हो, व्यवहारों के रूप में जो स्पष्ट हो। क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं कि वो क्रियाएं जो अर्थपूर्ण हो साथ ही अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित भी हों। तो मैंने यहाँ पर जो है सामाजिक क्रिया की जाए, दो लोगों के बीच में जो क्रिया हो उनसे एक दूसरे लोग प्रभावित हों, माने अकेले कोई क्रिया करना यानी अकेले में कोई व्यवहार करना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है या दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल नहीं है, तो उस क्रिया को मैक्स वेबर जो है सामाजिक क्रिया नहीं मानते हैं। इसलिए वेबर ये मानते हैं कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। यानी समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। क्योंकि मैक्स वेबर जो कहते हैं कि जब तक क्रियाओं में यानी व्यक्ति के द्वारा करने वाले कार्यों में कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उनके बीच में कोई व्यवहार नहीं है, तो वो क्रिया जो है सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। तो इस तरीके से समाजशास्त्र के अंतर्गत मैक्स वेबर के अनुसार वही क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं होती हैं जिनका कोई उद्देश्य होता है, और समाजशास्त्र को ऐसी ही क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विशेष विज्ञान मैक्स वेबर मानते हैं। उनके हिसाब से यदि समाजशास्त्र के अंदर सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र इतना अस्पष्ट और असीमित, माने उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा और फिर उसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस पर कोई भी स्टडी करना, उस पर कोई जनरलाइजेशन डेवलप करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं बेवर के अनुसार ये ज़रूरी है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन एक निश्चित सीमा में रहकर ही किया जाए। तो इस दृष्टि से मैक्स वेबर ये मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन उसी का ही अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र में सोशल एक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहीं फ्रेंड्स, वीरकांत जो हैं समाजशास्त्र को उन मानसिक या मन संबंधी संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन मानते हैं जो मनुष्य को एक दूसरे से बांधते हैं। इनका मानना है कि यदि दो लोगों में, दो व्यक्तियों में बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है तो समाजशास्त्र का काम उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, कैसे आगे बढ़ी, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है आदि ऐसी फीलिंग्स का जो है वो अध्ययन करेगा, और अध्ययन करके उस मानसिक बंधन का भी अध्ययन करेगा यानी उन लॉजिक्स का भी वो स्टडी करने की कोशिश करेगा जिनके कारण वो मित्रता बनी हुई है या जिनके कारण वो मित्रता हुई।
इसलिए वीरकांत के विचार में समाजशास्त्र को यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, घृणा ऐसी मानसिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। वहीं वॉनवीज और टॉनीज ने समाजशास्त्र को स्मेल के समान ही एक विशेष विज्ञान यानी स्पेशल सोशल साइंस बनाने के पक्ष पर जोर दिया। उनका मानना था कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और इसी कारण वो विशिष्ट है और यही उसका एक विशिष्ट क्षेत्र भी है। इन लोगों ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बताया कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अंतर्गत ही अपने अध्ययन को करना चाहिए। यानी जो उन्होंने 650 स्वरूपों की बात की, एक उनको कैटेगराइज किया कि समाजशास्त्र का जितना भी अध्ययन क्षेत्र है इन 650 स्वरूपों के अंतर्गत यानी उन हेडिंग्स के अंतर्गत ही होना चाहिए और इसी नाते उसको उन्होंने ये एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ के कुछ समर्थक होते हैं तब वहीं पर उसी समाज में उस चीज़ की एक आलोचना भी होती है, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण भी होता है जिससे उसकी आलोचना की जाती है। तो अगर हम इस संप्रदाय की बात करें, यानी कि हम जो है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की अगर हम बात करें, फॉल्मर स्कूल के संप्रदाय की आलोचना की बात करें, तो इसकी भी आलोचना हुई। इसके आलोचकों का मानना है कि इस संप्रदाय के दृष्टिकोण में मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इससे एक गलत मैसेज डेवलप होता है समाज में, एक गलत धारणा जाती है कि समाजशास्त्र कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है, यानी कि समाजशास्त्र का किसी अन्य विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम आगे के टॉपिक्स में इस पर चर्चा भी करेंगे कि सोशल साइंस में समाजशास्त्र का जो है और जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनसे क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इस समय तो यही बताना चाहेंगे कि समाजशास्त्र का किसी अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात इसकी मुख्यतः ये कही जाती है, इसकी जो आलोचना की जाती है उसमें ये माना जाता है कि भौतिक वस्तुओं की ही तरह मानवीय संबंधों के स्वरूपों को उनकी अंतर वस्तुओं से अलग मान लेना ये गलत है, जबकि यह सामाजिक संबंधों के बारे में ये बात सच नहीं है। यानी स्वरूप और कंटेंट सामाजिक संबंधों में भी भौतिक संबंधों की तरह हों, भौतिक वस्तुओं की तरह हों, ये संभव नहीं है। इस संदर्भ में सोरोकिन ने एक एग्जाम्पल भी कोट किया कि हम अगर मतलब सोरोकिन के शब्दों में हम कहें तो कि हम एक ग्लास को शराब, जल, चीनी से उसके बिना स्वरूप को परिवर्तन किए ही भर सकते हैं। यानी ग्लास की हम जो है बाहरी स्वरूप है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट को हम बदल सकते हैं। उसमें हम चाय, पानी, शरबत ऐसी कोई भी चीज़ भर सकते हैं। लेकिन सोरोकिन कहते हैं कि परंतु मैं एक ऐसी सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता जिसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा जबकि उसके सदस्यों में परिवर्तन हुआ। यानी अगर कंटेंट में चेंज आया है तो उसकी फॉर्म में भी चेंज आएगा, ऐसा सोरोकिन का मानना है। इसको और अगर हम इजी वे में समझना चाहें तो एक एग्जांपल लेके हम चल सकते हैं। जैसे एक कॉलेज फॉर्म में हम उसे ले सकते हैं, तो एक कॉलेज के कंटेंट यानी उसकी अंतर वस्तु मुख्य रूप से क्या है, वो है टीचर्स और स्टूडेंट। और एग्जाम्पल में जो हम जो बात कर रहे हैं कि एक कॉलेज की अंतर वस्तु में टीचर्स और स्टूडेंट हैं और वो सारे इंडियन हैं, सारे भारतीय हैं, उस सिचुएशन में टीचर और स्टूडेंट्स के जो आपस में रिलेशनशिप है, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो फॉर्म है, एक निश्चित प्रकार का होगा भारतीय कल्चर के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से। यदि अब इस कॉलेज के सारे टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं
इंडियंस की जगह अदर कंट्रीज़ के आ जाएं, लाइक कुछ चाइनीज़ हों, कुछ रशियन हों, कुछ ब्रिटिश हों, इनसे अगर कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट सारे हों, तो ऐसे में टीचर और स्टूडेंट के जो आपस की रिलेशनशिप है उनका स्वरूप भी बदल जाएगा। मैंने उनके आपस की जो रिलेशनशिप है वो जब हमने कंटेंट बदला, भारतीयों की जगह कुछ फॉरनर्स लिए, विदेशी लिए अलग अलग जगहों से, तो यानी कि जब हमने कंटेंट बदला तो उनके स्वरूप का भी उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए अंतर्वस्तु यानी टीचर और स्टूडेंट्स को अलग निकाल कर अंतर्वस्तु के बारे में अध्ययन किए बिना, यानी उस कंटेंट के बारे में अध्ययन किए बिना उसके संबंधों के स्वरूप का अध्ययन हम नहीं कर सकते, ऐसा सोरोकिन जी का मानना है। साथ ही एक और आलोचना के संदर्भ में तर्क दिया जाता है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य विज्ञान नहीं कर सकता, जबकि साथियों ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं, जैसे अगर हम लॉ की बात करें तो वो सामाजिक संबंधों के अनेक स्वरूपों, जैसे स्लेवरी, दास्तां, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, आज्ञा पालन, या जो सोशल रिचुअल्स हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उन पर वो अध्ययन करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अध्ययन का क्षेत्र जो है सिर्फ समाजशास्त्र का है, तो ऐसा माना जाता है इसके आलोचकों द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे संप्रदाय की, यानी समन्वयात्मक संप्रदाय यानी सिंथेटिक स्कूल की। इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है, टोटली एक जर्नल साइंस है। इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि सामाजिक जीवन के विशेष पक्ष, जैसे आर्थिक, राजनीतिक के संबंध में बहुत डीप स्टडी करने वाले कुछ खास सोशल साइंसेस पहले से, जैसे इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पहले से मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा समाज के अन्य सामान्य विज्ञान के लिए, उसका सामान्य अध्ययन करने के लिए एक सामान्य विज्ञान की आवश्यकता भी है, जिसको इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि ये दूसरे विज्ञानों से जैसा ही है, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे से मिलाने एवं सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से भी हमारा परिचय कराता है। यानी ये सिर्फ किसी के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं है, इसमें वो सभी पक्ष समाहित हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो सामाजिक जीवन के लिए समाजशास्त्र ऐसा ही एक सामान्य विज्ञान है, ऐसा इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है। और हाव हाउस, सोरोकिन, एमाइल दुर्खीम, गिन्सवर्ग जो हैं इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक भी हैं। इन विचारकों ने इस संप्रदाय को दो आधारों पर समझाने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि समाज जो है एक शरीर की तरह है, लेकिन वो एक्चुअली शरीर तो नहीं है, माने एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि कुछ अर्थों में या देखा जाए ऊपरी तौर पर तो समाज भी शरीर की ही तरह है, मानव शरीर की तरह। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, आपके हाथ में चोट लगेगा तो आँख से पानी ऑटोमेटिकली निकलेगा, दर्द होता है तो जिसे हम आंसू कहते हैं, तो यानी हाथ में या शरीर के अन्य हिस्से का कनेक्शन जो है आँख से है। तो उनका मानना यह है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंगों में भी आपसी संबंध और निर्भरता हमको देखने को मिल जाती है। वो इसका एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि अगर भारत में कहीं भी तूफान आ रहा है, अगर बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, मौसम विज्ञानी जो है करते हैं कि आज की डेट में तूफान जो है उस समुद्र तट से टकराएगा, तो लेकिन उस तूफान का असर
सिर्फ जो है उस पर्टिकुलर समुद्र तट पर ही नहीं होता, उसके आसपास के स्टेट्स को भी प्रभावित करता है। गवर्नमेंट जो है उसके आसपास के एरियाज में भी जो है अलर्ट जारी करती हैं ताकि वो लोग वहाँ पर सावधान रहें। यानी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है कि देश के किसी एक हिस्से में कोई आतंकवादी हमला हो तो उसके लिए देश का दूसरा छोर यानी दूसरे कोने पर भी उस घटना का प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक जगह कोई काम हो रहा है और उसका प्रभाव दूसरे पर ना पड़ता, यानी ये शरीर की तरह ही है। तो इस प्रकार जैसे सामाजिक क्रियाएं होती हैं तो एक क्रिया का दूसरी पर वो जो है असर पड़ता है, तो ऐसा मानना है। यानी ये कोई विशिष्ट नहीं है, एक सामान्य सी बात है जैसा समाज में अक्सर पाया जाता है। दूसरा इनका जो इन्होंने बिंदु दिया है मुख्य, वो ये है कि उनका मानना है, इस संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि हमारा सामाजिक जीवन केवल पारिवारिक, धार्मिक या राजनीतिक या फिर आर्थिक पहलुओं पर आधारित नहीं है। ये टोटली उन्हीं पर डिपेंड नहीं है, बल्कि इन सब का मिश्रण है, इन सब का योग है। इन सब में मतलब सामाजिक जीवन के फैमिली, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ में जो है वो इंटर रिलेशंस है। उन इंटर रिलेशंस के बाद ही जो है एक सामाजिक जीवन पूरा होता है। तो इसीलिए इन विशेष विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे भी विज्ञान की आवश्यकता विद्वानों ने महसूस की जो इन अंतः संबंधों यानी इंटर रिलेशंस को स्टडी करे, यानी संपूर्ण सामाजिक जीवन के बारे में वो स्टडी कर सके। अब चूंकि संपूर्ण सामाजिक जीवन की बात की जाती है तो उससे हमें बेसिक नॉलेज या एक सामान्य ज्ञान ही मिलता है, तो इस नाते भी इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं और वो उम्मीद भी करते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा ही विज्ञान है। इसीलिए समाजशास्त्र के माध्यम से ही इस तरह के कार्य यानी इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी करना संभव है। इस संप्रदाय के समर्थकों में हम सबसे पहले बात करते हैं सोरोकिन की। सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान को किसी न किसी रूप में अन्य दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। और यही वजह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के या सामाजिक जीवन के एक पक्ष या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे राजनीति शास्त्र राजनीति का, अर्थशास्त्र फाइनेंस संबंधी चीज़ों का अध्ययन करता है, जबकि विभिन्न घटनाएँ पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में कोरिलेशन स्थापित कर सके, इंटर रिलेशन स्थापित करके और समाज को समग्र रूप से समझाने में मदद कर सके। और सोरोकिन जो है समाजशास्त्र को एक ऐसा ही विज्ञान मानते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लैंड के समाजशास्त्री हाव हाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं। इनका मानना है कि समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों से ऐसे सामान्य तत्व ज्ञात करना, यानी ऐसे जर्नल पॉइंट्स निकालना, ऐसे जर्नल रिजल्ट्स निकालना जो पूरे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट में कि हाव हाउस के अनुसार सभी केंद्रीय अवधारणाओं को सामान्य स्वरूपों का अध्ययन किया जाए और उन कारकों के अध्ययन को भी महत्व दो जो सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार हाव हाउस जो हैं एक सामान्य दृष्टिकोण को लेकर ही संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहते हैं, और इसीलिए हाव हाउस समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। और अब हम बात करते हैं अमाइल दुर्खीम के विचारों की।
तो फ्रेंच समाजशास्त्री एमाइल दुर्खीम ने भी समन्वयात्मक विचारधारा का ही समर्थन किया है। दुर्खीम ने एक जगह लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं, धर्म, परंपराएं, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए शोधों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इनमें अवेलेबल सामग्री या कहिए कंटेंट से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। हालांकि दुर्खीम समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं, किंतु उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान भी बनाना है, ताकि वह अन्य सोशल साइंसेस की तरह जो है अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके, यानी खुद को डेवलप कर सके। दुर्खीम ने अपने अध्ययन में ये बात भी कही कि समाजशास्त्र में उन तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जाए जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, क्योंकि इनके अनुसार समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधानों का ही विज्ञान है। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खीम का मतलब है कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावनाएँ, धारणाएँ का एक ऐसा सेट है जिन पर व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मनोवृत्तियों को, एटीट्यूड को, अपने व्यवहार के लिए जिन पर वो निर्भर करता है, यानी वो परिस्थितियाँ जिन पर मनुष्य इन चीज़ों के लिए निर्भर करता है। तो ऐसी ही व्यवस्था को, ऐसे ही सेट को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है, और समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त की जा सके, ऐसा दुर्खीम का मानना है। फ्रेंड्स, स्वरूपात्मक संप्रदाय की तरह ये समन्वयात्मक संप्रदाय भी अपने आप को आलोचना से दूर नहीं रख पाया, क्योंकि इसके सामान्य घटनाओं का, सभी तरह की घटनाओं का अध्ययन करने की बात ने इसे उस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया जहां इसे एक हरफन मौला विज्ञान कहा जाने लगा, या कहिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी कहा जाने लगा, क्योंकि इस संप्रदाय के आलोचकों का मानना था कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र, कोई स्वतंत्र अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा, और सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अगर अध्ययन इसमें किया जाने लगेगा तो ऐसी स्थिति में किसी भी तथ्य का, किसी भी घटना का कम्प्लीटली स्टडी नहीं हो पाएगी, और इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इस नाते इस संप्रदाय के जो आलोचक विद्वान हैं वो जो हैं इसको एक समान विज्ञान मानने के लिए अपने पक्ष को नकारते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु या कहिए विषय सामग्री की, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम दुर्खीम को डिफाइन करेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को या सब्जेक्ट मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। पहले हम बात करते हैं सामाजिक रचना शास्त्र की या सामाजिक स्वरूप शास्त्र की। तो इसके अंदर दुर्खीम के हिसाब से मनुष्य के जीवन के भौगोलिक आधार और सामाजिक संगठन के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या या स्थानीय वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने प्रकार बताया है सामाजिक शरीर शास्त्र का, यानी इसमें शरीर शास्त्र के अंतर्गत दुर्खीम ने इसे अनेक उपविभागों में बांटा है, जैसे भाषा का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, यानी उन्होंने उसको जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरी बनाई हैं और उसके अंदर ये डिफरेंट
हेडिंग्स दी है कि लैंग्वेज, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, और इसके कंटेंट डिफाइन किए हैं जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा उन्होंने कैटेगरी दी है जनरल सोशियोलॉजी यानी सामान्य समाजशास्त्र। दुर्खीम इस भाग को समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग मानते हैं, एक फिलोसफिकल पार्ट इसको कहते हैं। और इस विभाग के अंतर्गत सामाजिक जीवन को निरंतरता एवं स्थिरता प्रदान करने वाले वो सामाजिक नियमों का अध्ययन करने की बात कहते हैं। वहीं जिन्स वर्ग ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को या उसके सब्जेक्ट मैटर को चार पार्ट में डिवाइड किया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्याधि की। पहले हम बात करते हैं स्वरूप शास्त्र की, तो कहेंगे दुर्खीम की ही तरह जिन्स वर्ग ने भी सामाजिक स्वरूप शास्त्र को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में सम्मिलित किया है। उन्होंने दूसरा जो पॉइंट उठाया है वो सामाजिक प्रक्रियाएँ, तो सामाजिक प्रक्रियाएँ यानी सोशल प्रोसेसेस में जिन्स वर्ग ने कहा कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों के मध्य होने वाली विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं की स्टडी की जानी चाहिए, जैसे कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह के जो कंटेंट हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो जिन्स वर्ग ने सहयोग, संघर्ष, समायोजन, सात्मीकरण, एसिमिलेशन आदि इस तरह की कुछ सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की, जिसको समाजशास्त्र का उन्होंने सब्जेक्ट मैटर माना है। तीसरा उन्होंने प्रकार बताया है सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल का, तो इसके अंतर्गत जिन्स वर्ग के अकॉर्डिंग समाज के सदस्यों के सामाजिक व्यवहारों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने वाले कुछ नियमों को इस विभाग के अंतर्गत उन्होंने रखा है। समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए यानी कंट्रोल और अरेंज करने वाले विषय जैसे धर्म, कानून, प्रथाएं, परंपराएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, फैशन आदि को वो इसका मेन कंटेंट मानते हैं। और चौथा और अंतिम पॉइंट उन्होंने बताया है सामाजिक व्याधि की यानी सोशल पैथोलॉजी, मतलब कह सकते हैं कि आम भाषा में इसे सामाजिक विघटन भी हम कह सकते हैं। तो जिन्स वर्ग ने कहा कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संगठन तोड़ने वाले कारकों का अध्ययन करना भी है, जैसे इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं बेकारी, निर्धनता, वेश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, वैयक्तिक विघटन आदि, ऐसे ये टॉपिक हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है। वहीं कार्ल मैनहाइम ने समाजशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर को, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र और व्यवस्थित समाजशास्त्र, यानी जनरल सोशियोलॉजी, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी और सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी। जब हम सामान्य समाजशास्त्र की बात कहते हैं तो कार्ल मैनहाइम कहते हैं कि सामान्य समाजशास्त्र व्यक्तियों द्वारा समाज में मिलजुल कर रहने से संबंधित कारकों का अध्ययन करता है, यानी उनके व्यवहारों का अध्ययन करे तो वो सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। वहीं ऐतिहासिक समाजशास्त्र को कार्ल मैनहाइम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तुलनात्मक समाजशास्त्र और सामाजिक गत्यात्मकता। तो यानी कि तुलनात्मक समाजशास्त्र ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों की विवेचना और तुलना करता है, जबकि सामाजिक गत्यात्मकता वह ब्रांच है जो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना करती है। और उसके तीसरे पार्ट यानी व्यवस्थित समाजशास्त्र, सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी में कार्ल मैनहाइम कहते हैं कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनका एक सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि सामाजिक जीवन में पाए जाने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, क्रियाओं को एक सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना ही व्यवस्थित समाजशास्त्र है। और लास्ट में फ्रेंड्स हम बात करते हैं जनरल आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी एक इस तरह की रूपरेखा जो तमाम विद्वानों के विचार विमर्श के बाद एक सामान्य रूप से डिसाइड की गई है कि हम समाजशास्त्र में किन किन चीज़ों का किस किस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें
प्रसिद्ध समाजशास्त्री एलेक इंक्लेक्स ने अपने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु को जो है इस तरह से डिफाइन किया है, जो आपको साथी उस समय स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रही होगी, समाजशास्त्रीय विश्लेषण। यानी इंक्लेक्स ने पूरे समाजशास्त्रीय की अध्ययन वस्तु को चार टॉपिक्स में डिवाइड किया है। उसके अंदर उन्होंने सारे सब टॉपिक्स दिए हैं, शॉर्ट में हम उसकी अभी चर्चा करेंगे। तो पहला है उनका समाजशास्त्रीय विश्लेषण, यानी किसी भी चीज़ का एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हमें करना चाहिए। इसके अंतर्गत मानव संस्कृति और समाज, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि, यानी कहना चाहिए कि कंप्लीट संस्कृति का, मानव संस्कृति का या मानव समाज का सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए, उसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अप्लाई करते हुए उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, यानी मानव जीवन में कुछ जो प्राइमरी यूनिट्स होती हैं सामाजिक जीवन की, उनमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके लिए इंक्लेक्स ने बताया कि सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध, यानी समाज में होने वाली सामाजिक क्रिया और सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जा सकता है। ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव के व्यक्तित्व का अध्ययन किया सकता है। ग्रुप, कम्युनिटी, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, सोसाइटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइमरी यूनिट्स हैं सोशल लाइफ की, और इन सभी को हम समाजशास्त्र की अध्ययन की विषय वस्तु बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो स्लाइड आपको दिख रही है वो आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, यानी बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन। इस समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में, हम उनके अध्ययन की बात करते हैं। और हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? फैमिली और किनशिप, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशनल, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको जानने, हम जब जानेंगे तभी हम समाज को जान पाएंगे, क्योंकि परिवार और उससे रिलेटेड नातेदारी, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे हम सामाजिक संबंधों को नहीं समझ सकते। जब तक हम आर्थिक संस्थाओं पर अध्ययन नहीं करेंगे तो समाज के मुख्य पक्ष, जो जिससे सामाजिक जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि अर्थ जो है सामाजिक जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम नहीं जानेंगे तो उस तब भी हमें समाज के लिए समझना असंभव हो जाएगा। इसी तरीके से राजनीतिक और जो कानूनी संस्थाएँ होती हैं जो समाज में व्यवस्था और नियंत्रण रखने का काम करती हैं, उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। धार्मिक संस्थाएँ जो हैं वो समाज को मौलिक रूप से, बेसिक रूप से कंट्रोल्ड करती हैं, समाज को चलाने का काम करती हैं, तो उनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाएं या मनोरंजन और जनकल्याण संबंधी संस्थाएं, सौंदर्य तथा अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाएं, ये सब जो हैं समाज की बेसिक जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समाज के लिए, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी भी हैं और परिवर्तन इनसे समाज में आता भी है। तो इनका अध्ययन भी हम समाज की आधारभूत सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। और अब बात करते हैं हमारे अंतिम टॉपिक की, आधारभूत सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस। इसके अंतर्गत दोस्तों हम विवेदीकरण तथा स्तरीकरण, सहयोग, समायोजन तथा सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष लाइक कॉन्फ्लिक्ट और रिवॉल्यूशन, बार, इस तरह की चीज़ों को रखते हैं, और संचार, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ सोशल वैल्यूज। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आती हैं। समाज में जो डिफ्रेंशिएशन आजकल पाए जाते हैं, सोशल स्टारिफिकेशन पाया जाता है, यानी स्तरीकरण। स्तरीकरण तो आपने देखा होगा, ये काफ़ी पुरातन समय से चला आ रहा है। पहले वर्ण
व्यवस्था के आधार पर था, फिर वो वर्ण व्यवस्था धीमे धीमे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई और तब समाज में ऊंच नीच का स्तरीकरण पाया गया। और आज जाति व्यवस्था अपने थोड़े से स्वरूप में परिवर्तन ला रही है और समाज में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जिसमें समाज का स्तरीकरण जो है वर्ग यानी क्लास सिस्टम के आधार पर हुआ है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं या जो नई कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनका अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा कोऑपरेशन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये वो चीज़ें हैं जो समाज में सामाजिक संबंधों के नाते होती हैं, उसमें सहयोग भी होता है, आपस में समायोजन भी होता है, सात्मीकरण भी होता है। तो इस तरह की प्रक्रियाओं का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही सामाजिक संघर्ष, चाहे वो क्रांति हो, युद्ध हो या कोई और सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका जो अध्ययन है इसमें किया जा सकता है। कम्युनिकेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन जो है सोशल रिलेशन डेवलप करने की पहली सीढ़ी है, उसके बिना सोशल रिलेशन बनते ही नहीं है। इसलिए हम जो है समाजशास्त्र में बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर आकर, बिल्कुल रूट्स पर आकर जो है हम उसका अध्ययन हम करते हैं। और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन ये तो वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही वैल्यूज़ पर, मूल्यों पर चलती है। और इस संदर्भ में मुखर्जी साहब का सिद्धांत भी है, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत, इस पर भी हम अपने आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं इसे ये कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल आधारभूत, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर हैं और इन्हीं का, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, सामाजिक एकीकरण, सामाजिकरण तथा सैद्धांतिकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये वो बिंदु हैं जो स्वयं में मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक नियंत्रण में हम उन तकनीकों को लेते हैं जिससे समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है, लाइक धर्म और कानून। सामाजिक विचलन यानी सोशल डेविएंस में हम वो बात करते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं जिनमें समाज में विघटन की स्थिति पैदा करते हैं, चाहे वो अपराध हो, बाल अपराध हो, आत्महत्या हो, वैश्यवृत्ति हो, तो इस तरह की सारी समस्याओं को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अलावा सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकीकरण, राष्ट्रवाद की बात, क्षेत्रवाद की बात, इन सब बातों में का अध्ययन भी हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं। सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज यानी समाज में जो सामाजिककरण की प्रक्रिया होती है, जो व्यक्ति को डेवलप करती है, उसका विकास करती है, उस तरह की प्रक्रियाओं का और उनके सिद्धांतों का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और साथ ही साथ में सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन जो समाज में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसका अध्ययन भी हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी ये सारे बिंदु जो हैं, ये सब समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय हैं, ये समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। तो साथियों, ये सारे पॉइंट्स हो गए जिनको हमने इतने विस्तार से चर्चा की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो या आपको इसमें कुछ मुझे सुझाव देने हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसे सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आगे के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।